हेलो एवरीवन, मेरा नाम विलास वाही है और मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 के रिजल्ट लिस्ट में 10th रैंक मिली है। आप सभी लोग मुझे डेली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। मैंने कुल मिला के 5 अटेम्प्ट दिए हैं और इन 5 अटेम्प्ट में मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और 2 बार फाइनल इंटरव्यूज़ में अपीयर हुआ हूँ। तो इस वजह से मुझे प्रीलिम्स का खास तौर से मैंने काफ़ी ट्रेंड्स देखे हैं। 2015 मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज अंडर प्रिपेयर्ड, बट 2016, 17, 18 एंड 19 चारों प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई करे हैं। तो इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स 2021 बहुत नज़दीक है, तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मैं उसके बारे में बात करूँगा। For IAS preparation, Maluka IAS is the only institute in the country to provide for granted prelims and assured mains. Friends, granted prelims का मतलब अगर आपका pre-clear नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। Assured mains का मतलब अगर हमारे पढ़ाई में से 80% questions नहीं आते हैं तो भी हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। Friends, answer writing और prelim test series include करके आपका 17 months का duration है और online की fees है सिर्फ 35,000 plus GST। फ्रेंड्स, दूसरे टॉपर्स जैसे रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8 एंड मल्टीपल अदर टॉपर की तरह आप भी मलूका आईएएस ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अगर बात करें तो 2015-16 के बाद से जो ट्रेंड देखा जा रहा है, खासतौर से 2017, 18 एंड 19, अभी रिसेंटली 2020 प्रीलिम्स, तो जो ट्रेंड है इससे देखा जा रहा है कि जो पेपर 1 है डेफिनेटली जीएस का, वो बहुत टफ होता जा रहा है। और इसी टफ लेवल को देखते हुए जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो भी चेंज होनी चाहिए। मुझसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि सर, सभी लोग सेम चीज़ें ही तो पढ़ते हैं, सभी लोग वही हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी की बुक्स पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो फिर कुछ का प्रीलिम्स होता है कुछ का नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा जो जवाब है वो ये है कि वो जो लोग जिनका क्वालिफाई होता है वो अपने स्टैटिक कंटेंट को फिनिश करने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज शुरू तो करते हैं पर टेस्ट सीरीज को ख़त्म नहीं करते। वो उस टेस्ट सीरीज के, अगर मान लीजिए एक टेस्ट सीरीज में 35 टेस्ट हैं, तो उसमें से वो 20 या 25 टेस्ट करने के बाद उसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं उनका टेस्ट सीरीज ख़त्म हो गया। जबकि आइडियल स्ट्रैटेजी जो रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि आपको पूरी टेस्ट सीरीज फिनिश करनी है और पूरी टेस्ट सीरीज फिनिश करने के बाद उसके सॉल्यूशंस को आपको 3 से 4 बार रिवाइज भी करना है प्रीलिम्स से पहले। ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा जो होगा आपको ये होगा कि जो करंट अफेयर्स, जो कि यूजुअली हम सोचते हैं 1 साल का प्रिपेयर कर लिया तो सफिशिएंट है, बट आजकल का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स के कोई लिमिट नहीं है। यूपीएससी आजकल खाली 1 साल के नहीं, वो पिछले, उससे 1 साल पिछले भी करंट अफेयर्स को पूछ सकता है। तो हमारे लिए इतना संभव नहीं है कि हम करंट अफेयर्स के 5 साल या 2 साल या 4 साल के करंट अफेयर्स बैठ के करें। तो टेस्ट सीरीज जो होती है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो टेस्ट सीरीज अपने क्वेश्चंस डालते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं पिछले या 2 या 3 साल पुराने भी, वो उसको उठा के डालेंगे और उन सोल्यूशंस के थ्रू आपके करंट अफेयर्स भी इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपने 3 से 4 बार कोई टेस्ट सीरीज रिवाइज करी है, सपोज आपने एक ही टेस्ट सीरीज करी है और उसे 3 से 4 बार रिवाइज किया है, तो वो सफिशिएंट है अगर आपने स्टैटिक पार्ट भी अपना अच्छे से प्रिपेयर किया है। जेई मेन में परफेक्ट 300 out of 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। डीकेटी इंजीनियरिंग, अ डेली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म फॉर जेईई एस्पिरेंट्स। एक चीज जो इससे और एक फायदा मिलेगा आपको वो ये है कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक की अच्छे से जानकारी होगी। जितने आप टेस्ट करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि आपके बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन वो गलत हो गए, जो कि एलिमिनेशन टेक्निक आप सीखने के बाद अपने मेन जो आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का जिस दिन, उस दिन अवॉइड कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर, अटेम्प्ट्स कितने किए जाएं प्रीलिम्स में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी वजह से कईयों का प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। 2015 या 16 जब प्रीलिम्स इजी होता था तो उस टाइम पे अराउंड 85-90 क्वेश्चंस अगर हम करके आ रहे हैं तो वो सेफ माना जाता था, पर जब से लेवल जो है डिफिकल्ट होना शुरू हुआ है 2017, 18, 19 या 20 से, तो देखा जा रहा है कट ऑफ अराउंड 100 रह रही है।
तो इसमें आपको अगर आप डिफिकल्ट पेपर में अगर आप 90 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं तो वो आपको बहुत डेंजरस साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है नेगेटिव मार्किंग होने के लिए। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने अटेम्प्ट्स जो हैं वो लिमिटेड रखने चाहिए। अगर आपको 100 मार्क्स जो हैं आपको कट ऑफ आपको क्रॉस करनी है, बेयरली कट ऑफ क्रॉस करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, उसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते हैं। तो अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो अगर आपके 50 से 55 क्वेश्चन भी अगर ठीक हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको मैक्सिमम 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको और गेस नहीं करना चाहिए। पुअर गेसिंग से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपको 60 क्वेश्चन के बाद ये लग रहा है कि इसके बाद मेरे को नहीं आता और मैं सिर्फ गेस करूँगा, तो आपको गेसिंग अवॉइड करनी चाहिए। गेसिंग उसी क्वेश्चंस में ज़्यादा सही रहती है जिसमें आपको अच्छे से पता है कि 50-50 पे बात आ चुकी है। अब सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो मुझे एलिमिनेट करना है, मेरा क्वेश्चन हो सकता है। उसके लिए आपकी जो प्रैक्टिस है, जो रिविजन्स है, जो गट फीलिंग है, तो अगर आप उसके अनुसार अटेम्प्ट करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक होने के। पर ऐसे गैसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन तक रखने चाहिए। अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन करी है तो कहीं ना कहीं 40 से 50 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो आपके ठीक भी होंगे। तो प्रीलिम्स इस तरह इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है और यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है। जितने अटेम्प्ट मैंने क्वालिफाई किया है, जो कि 4 अटेम्प्ट रहे हैं, और वो सारे के सारे जो अटेम्प्ट थे वो अटेम्प्ट जो थे जैसे 2016, 2017, 2018 और 2019 में बहुत ईजी था पेपर, तो मेरे अटेम्प्ट भी ज़्यादा थे। बट 2017, 2018, 2019 में मैंने अटेम्प्ट अपने कम रखे, अपना करेक्ट जो आंसर्स थे उन पर ज़्यादा स्कोर किया, ज़्यादा उन पर फोकस किया। टेस्ट सीरीज़ में मेरी कोशिश यही रहती थी कि मेरे करेक्ट अटेम्प्ट ज़्यादा हों और इनकरेक्ट अटेम्प्ट कम से कम हों। तो इस वीडियो में प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के लिए इतना ही, और मैं सारे एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा और साथ ही साथ दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने ये वीडियो के माध्यम से एस्पिरेंट्स की क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए संभव किया। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।